सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सपना देखा था। उनके इस सपने को ही भारत बनाने के लिए आज आप देख रहे होंगे कि गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में लग चुकी है। आज वो अपने आप में एक तीर्थ स्थल बन चुका है। आज देश के अंदर आजादी के बाद भले ही कुछ लोगों ने, कुछ सरकारों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को विस्मरण करने का प्रयास किया हो, लेकिन हम सब आभारी हैं कि वर्तमान भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं पिछले 8-8.5 वर्षों के अंदर पूरा देश उसे देख रहा है। और उन्हीं सपनों को साकार करने की दिशा से आज अनेक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर सभी 600 से अधिक जनपदों के अंदर आयोजित हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभी 75 जनपदों में एक कार्यक्रम हो रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि खेलकूद और संस्कृति विभाग ने लखनऊ में भी यहां 5 कालिदास से और केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया है। आइकॉन दबाना न भूलें।